हाय हाय हेलो हेलो एवरीवन वेलकम टू द स्लीपी क्लासेस आज हम अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द घटना चक्र सीरीज़ आप मेरे साथ जोग्राफी के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपको एम पी के क्वेश्चंस मैं आज करवाने वाली हूँ एज़ promised हमने पिछली बार इंडियन फिजियोग्राफिक डिविजन्स में से क्वेश्चन uh, किए थे तो हम उसी टॉपिक को आगे लेके uh, जाएंगे और आज भी उसी के रेलिवेंट क्वेश्चन हम कवर करने की कोशिश करेंगे ठीक है तो हम टॉपिक वाइज चलते हैं द एजेंडा इज़ टू कवर ऑल द फिजियोग्राफिक डिविजन्स और एकदम उसको ऐसे रट लेंगे हम कि कभी भी कोई भी डाउट ना रहे ठीक है तो चलिए आपके साथ मैं शुरू करने जा रही हूँ पहला क्वेश्चन ज्योग्राफी का ओके okay. द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज ये आपको बहुत ही आसान uh, सा क्वेश्चन लगेगा लेकिन ये यूपी पी में और इंडियन आई uh, में प्रीलिम्स में पूछा गया है और काफ़ी सारे और स्टेट पी सी एग्जाम्स में भी ये पूछा गया है ठीक है तो विच इज़ दी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया येस प्लीज़ कम अप विद योर आंसर्स एज संबड़ी है स्टोर मी कि हिंदी में भी क्वेश्चन uh, को पढ़िए पढ़िए तो मैं कोशिश करती हूँ तो इसमें पूछा गया है कि माउंटेन रेंज सबसे पुरानी कौन सी है इंडिया में ठीक है तो द ऑप्शन ए इज अरावली माउंटेन्स बी हिमालयाज सी सतपुरा रेंजेस एंड डी नीलगिरीज तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर सही आंसर बताइए जल्दी ओके okay. द करेक्ट आंसर इज अरावली माउंटेन रेंजेस ठीक है आपको पता है ये ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस है वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड हैं और आप प्लीज आ, उत्तर दीजिए कमेंट सेक्शन में कि ये कौन सी स्टेट में पाई जाती है अरावली माउंटेन्स ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एग्ज़ाम्पल ऑफ रेजिडुअल माउंटेंस रेजिडुअल माउंटेन्स क्या होते हैं जब वेदरिंग जैसे सपोज ये एक माउंटेन है ठीक है वेदरिंग और इरोजन की वजह से जो उसके रेमिनेंट्स रह जाएंगे ठीक है पहले उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होगी उसके बाद वेदरिंग और इरोजन की वजह से जो रह जाएगा उसकी आ, जो रेमिनेंट्स रह जाएंगे उसको हम बोलते हैं रेजिडुलल माउंटेन ठीक है तो इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है रेजिडुअल माउंटेंस का ए हिमालयस बी एटना C अरावलीज एंड D शिवालिक्स What is the correct answer, guys? Okay, let us check the correct answer is अरावलीज again. ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया के मैप में जैसे कि मैंने पिछली बार आपसे क्वेश्चन uh, पूछा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि ये कौन से अरावलीज uh, आपको कौन सी स्टेट में दिखेंगी तो आप मैप से देख सकते हो ठीक है तो हिमालय आपको पता है एटना इज नॉट अ माउंटेन इन इंडिया ठीक है ध्यान दीजिए एटना माउंटेन्स कौन सी कंट्री में है इसका आपको क्वेश्चन का आंसर देना है ठीक है कमेंट सेक्शन में हिवालिक्स डीज आर द लोअर मोस्ट रेंजेस ऑफ हिमालय ठीक है हिमालय की पिछली बार हमने हिमालय के ऊपर पूरी क्वेश्चन आंसर सीरीज की थी तो हमें पता है कि हिमालयस की जो चार डिविजन्स हैं हमने वो देखी थी ट्रांस हिमालयास ग्रेट ठीक मिडल मिडिल एंड देन सबसे नीचे आ जाती है शिवालिक्स ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर है अरावलीज़ इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेजिडुअल माउंटेन्स ओके थर्ड क्वेश्चन अब हम चलते हैं थोड़ा सा साउथ की तरफ साउथ की जो हिल्स हैं वो हाइट में उतनी नहीं है जितनी की हिमालयस की हैं ठीक है दे आर हिल्स ओनली दे आर कैटेगराइज्ड एज हिल्स ओनली बिकॉज ऑफ़ देयर हाइट दे आर नॉट कैटेगराइज एज माउंटेन्स, ठीक है तो यहाँ पे आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ दी हाइएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया ठीक है दिस इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम द यूपी पी सी एस प्रिलिम्स तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था आपसे तो ये पूछ रहे हैं कि uh, इसमें से साउथ इंडिया की हिल्स में से कौन सी हाइएस्ट पीक है ए अनायमुडी बी डोडाबेटा सी अमरकंटक एंड डी महेंद्रगिरी तो प्लीज इसका आंसर दीजिए मुझे देखो ये जो साउथ इंडिया की हमारी हिल्स हो जाती हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इसमें से भी बहुत बार क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया है और आपको आई प्रीलिम्स में भी इसके क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं तो देर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि इसमें से आपको नॉर्थ टू साउथ हाईएस्ट पीक और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको याद करने हैं ठीक है थीके? तो इसमें हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया इज इट इज अनायमुडी ठीक है अनायमुडी इज हाईएस्ट पीक विद दी हाइट ऑफ टू सिक्स नाइन फाइव मीटर्स अब सी लेवल ठीक है तो आप यहां पे देख सकते हो वेस्टर्न साइड पे वेस्टर्न घाट पाल घाट के पास अनायमुडी पीक ओके okay. अगला क्वेश्चन द फे फेवरेट यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि मैं बहुत बार बोलती हूँ कि नॉर्थ टू साउथ अगर आपने सारे फिजिकल फीचर्स को अरेंज करना सीख लिया ईस्ट टू वेस्ट करना सीख लिया तो आपको पूरा जो मैप है वो अच्छे से याद हो जाएगा ठीक है तो ये एक बार आई uh, एस में भी पूछा गया था और uh, अब ये आपके सामने जो है ये एम पी पी का क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग महादेव हिल्स मैकाल रेंज छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड खासी हिल्स ठीक है तो ये चार फीचर्स आपको दिए गए हैं जिसको आपने वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है ठीक है तो ये आपका आ गया है पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन का क्वेश्चन ठीक है तो हम इसको मैप पे लोकेट करते हैं महादेव हिल्स मैकाल रेंज छोटा नागपुर प्लेट्यू और खासी हिल्स को और देखते हैं व्हाट इज द राइट ऑर्डर ठीक है तो हमसे हमारे से पूछा गया था महादेव हिल्स के बारे में मैकाल रेंज के बारे में छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में और खासी हिल्स कहाँ पे आ जाते हैं आपके नॉर्थ ईस्टर्न साइड्स में ठीक है तो ये आपका सी आ, वेस्ट टू ईस्ट का ऑर्डर बनता है जिसके हिसाब से कौन सा आएगा करेक्ट आंसर वन टू थ्री फोर दिस वर गिवन एज़ पर दी ऑर्डर ओनली ठीक है वॉट इज़ छोटा नागपुर प्लेट्यू वेरी फेमस फॉर इट इज़ द प्लेस जहां पे आपको इंडिया के मैक्सिमम मिनरल्स मिलेंगे तो प्लीज टाइप इन कमेंट सेक्शन कि कौन कौन से मिनरल्स आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में मिलेंगे ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स फ्लैंक विच एरिया ठीक है तो न, नर्मदा और ताप्ती रिवर कौन से रीजन के अक्रॉस आपको मिलेंगे ए विद्यास बी सतपुरा रेंजेस सी राजमहल हिल्स एंड डी अरावलीस ठीक है तो नर्मदा और ताप्ती दोनों वेस्टर्न रिवर्स हैं पेंसुलर इंडिया के ठीक है दे रेन इनटू द अरेबियन सी और द राइट आंसर इज सतपुरा रेंजेस ठीक है तो ये आप देख सकते हो नर्मदा और ये ताप्ती और इनके बीच में आ जाती हैं आपकी सतपुरा रेंजेस ठीक है सतपुरा रेंजेस आर नेम्ड आफ्टर माउंटेन्स ठीक है सतपुरा रेंजेस ओके सिक्स क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर फाउंड वेयर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स मीट ठीक है तो ये भी एक प्रीवियस ईयर स्टेट क्वेश्चन है तो बताओ वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स कहाँ पे मिलती हैं कौन सा पॉइंट है वो जहां पे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स मिलेंगी ए अनावलाई हिल्स बी कार्डमम हिल्स सी नीलगिरी हिल्स एंड डी शेबरॉय हिल्स ओके द राइट आंसर इज नीलगिरी हिल्स दिस इज द प्लेस वेयर वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट्स मीट ठीक है इनको नीलगिरी क्यों बोलते हैं बहुत ही आ, एक पर्पल से कलर की अगर आप आ, ये लोकेशन देखोगे तो पूरा माउंटेन आपको पर्पल कलर का दिखेगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ फ्लॉर है? अगर किसी ने विजिट किया है तो प्लीज हमें बताइए कि वाई दे आर नेम दीलगिरी हिल्स बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर फ्लॉर विच गिव पर्पल कलर अपियर टू दीज हिल्स ठीक है ओके क्वेश्चन नंबर सेवन विच ऑफ द फॉलिंग हिल्स आर साउथ मोस्ट इन इंडिया ठीक है तो अभी जैसे कि हम इन हिल्स के बारे में बात कर रहे थे मैंने बोला था आपको कि नॉर्थ टू साउथ आपको अरेंज करना आना चाहिए तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर साउदर्न मोस्ट इन इंडिया बी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का ये पुराना क्वेश्चन है एंड ए द ऑप्शन आर अनामलाई हिल्स बी काडम हिल्स सी नीलगिरी हिल्स एंडी शेबरॉय हिल्स ठीक है तो इनको आपने लोकेट करना है मैप पे और देखना है कि इनमें से सबसे मोस्ट कौन सा है ओके okay, जैसे कि आप मैप में देख सकते हो तो कार्डमम हिल्स आर द साउद मोस्ट इन इंडिया, ठीक है इसके ऊपर आपका अनावलाई हिल्स आ जाता है ठीक है तो नीलगिर हिल्स यहाँ पे आ जाता है ठीक है तो का्डमम हिल्स मेक द साउद मोस्ट हिल्स ऑफ इंडिया ये है आपका एम पी पी सी एस प्रिलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अगला है धूपगढ़ पीक इज लोकेटेड इन वट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ धूपगढ़ पीक चलो देखते हैं कि कहां पे लोकेटेड है ये ए विद्या रेंजेस बी सतपुरा रेंजेस सी राजमहल हिल्स एंड डी अरावलीज द राइट आंसर इज

अ क्वेश्चन फ्रॉम द साउथ इंडिया हमने बहुत अच्छे से रट लेना है सारी ये हिल्स की लोकेशन के बारे में हिल्स लोकेटेड क्लोजर टू कन्याकुमारी आर ए अनामलाई हिल्स बी कार्डमम हिल्स सी नीलगिरी हिल्स एंड डी शेबरॉय हिल्स ठीक है तो हमने देखा था कि साउदन मोस्ट हिल्स कौन सी हैं तो जनरली वही कन्याकुमारी के सबसे पास होंगी तो राइट आंसर इज काडम हिल्स ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज द केप कोमर ठीक है So here it is located. Okay? Cardamom hills are located closest to the Kanya Kumari region. Okay. The tenth question is very interesting. Uh, I hope everybody knows its answer. First women to climb Mount Everest was A Janko Tebi, B Caroline Michelson, C Valentina Trakshwawa. एंड डी नन ऑफ दीज ठीक है तो इसका आपको राइट आंसर बताना है कि पहली महिला कौन सी थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम्ब किया था तो इसका राइट आंसर है ए जनकोटेबी शी वॉज फ्रॉम जापान और 16 मई 1975 को इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था पहली बार माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करके अब आपको एक और नाम याद आ रहा होगा ठीक है आप मुझे उसका जवाब जो है वो कमेंट सेक्शन में दीजिए कि इंडिया की पहली महिला कौन सी थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट फ्रॉम इंडिया वॉज दैट इज द क्वेश्चन विच यू हैव टू आंसर ठीक है तो ये आपकी आ, हमने आज जो माउंटेन रेंजेस हैं सेंट्रल इंडिया की और साउथ इंडिया की सारी कवर कर ली है अगला जोग्राफी सेशन ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है हम इंडिया की फिजिकल डिविजन्स बहुत अच्छे से याद करेंगे चाहे वो नॉर्थ टू साउथ हो ईस्ट टू वेस्ट हो हमें सब कुछ याद कर लेना है मैप पे लोकेट कर कर के, कर करके प्रैक्टिस करके मेरे साथ आई एम सुखमन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्लीपी क्लासेस